नमस्कार, इस समय हम मौजूद हैं प्रयागराज में धरना स्थल पर, पत्थर गिरजा घर पर। और यहाँ पे धरना चल रहा है काफ़ी दिनों से और आज दूसरा दिन है और बहुजन युवा एकता मंच के तत्वाधान में कार्यक्रम धरना चल रहा है और गौरी हत्याकांड को लेकर धरना चल रहा है। और रात्र 10 बज चुके हैं, हम बात करने की कोशिश करेंगे और अनिश्चितकालीन धरना है, बात करने की कोशिश करेंगे। इनकी मांगे क्या है, मुख्य मांगे, और प्रयागराज से मंडल के लोग भी आए हैं, फतेहपुर से, जौनपुर से लोग भी आए हैं, बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है भैया? मेरा नाम नरेंद्र पासी है, मैं यहीं प्रयागराज से हूं। और ये जो हत्याकांड हुई है गोहरी में, चार लोगों की, बहुत ही दुखदाई है। और इसको लेकर के पुलिस की लीपापोती जो हो रही वो बिल्कुल भी सही नहीं है। और हम पुलिस प्रशासन से, शासन से यही मांग करते हैं, ख़ास तौर से माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से हम ये मांग करते हैं कि इस घटना को लेकर के इसमें CBI जांच की जाए और निष्पक्ष जो अपराधी हैं उनको ही सजा हो और कठोर से कठोर सजा हो। जिस तरह से लगातार 25 तारीख से मैटर का खुलासा हुआ और अखबार की कटिंग बदल बदल कर आ रही हैं, क्या कहेंगे? तो कहीं ना कहीं इसमें है, जो पुलिस के अधिकारी हैं इस पर लीपापोती उन्होंने पूरी करने की कोशिश की हुई है, लेकिन हम लोग होने नहीं देंगे। और हम पूरी कोशिश करते हैं कि एक बड़ा आंदोलन करेंगे और जिसमें प्रयागराज के साथी और जो बाहर से साथी आएंगे सभी के सभी मिल करके, और इस पे एक उग्र आंदोलन होगा। पहले शांति के साथ किया जाएगा कैंडल मार्च, और अगर उस पे शासन, माननीय योगीनाथ जी CBI जांच करा देते हैं तो कोई बात नहीं, हम उनका सम्मान करते हैं। और यदि इस पे भी हमारी आवाज़ नहीं सुनी जाती है तो इस पे हम एक बड़ा आंदोलन करेंगे, सभी लोगों से, सभी संगठन के लोगों से, सभी दलों से बातचीत करके इस पे एक बड़ा आंदोलन होगा। जिस तरह से 25 तारीख से लगातार घटनास्थल पर पीड़ित परिवार से नेतागण मिलने जा रहे हैं, क्या लगता है आपको? देखिए, नेतागण जितना भी नेता आज तक गए हैं, चाहे जिस समाज के हो, सारे नेता जाते हैं, फोटो खिंचाते हैं और चले जाते हैं। सब लोग फेसबुक पे लिख देते हैं कि नहीं, हम लोगों को CBI जांच चाहिए, CBI मांग करें। क्या कोई कभी, क्या किसी नेता या किसी संगठन, कोई व्यक्ति क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से लिखा या मांग किया कि नहीं हमको CBI जांच चाहिए? फेसबुक, व्हाट्सएप से लिखने CBI जांच नहीं होती, उसके लिए धरना बैठना पड़ता है, आंदोलन करना पड़ता है, तब जाके CBI जांच होगी। और निष्पक्ष तरीके CBI जांच हो, जब तक CBI जांच नहीं होती तब तक हम लोग यहाँ से नहीं हटेंगे। यहाँ पर पासी बिरादरी में चार लोगों की हत्या हो गई है और दूसरी तरफ जो है केशव प्रसाद मौर्य जी अभी ऐलान किए हैं कि एक पुल का निर्माण जो है महाराजा बिजली पासी के नामीकरण किया जाए। देखिए, केशव प्रसाद मौर्य जी ने जो भी वो दिए हैं, बयान दिए हैं, मैं उनके बयान का सम्मान करता हूँ। वो महाराजा बिजली पासी के नाम से पुल का निर्माण करें, उसका सम्मान है, लेकिन अभी अभी जो उन्होंने बयान दिया है ये समाज को भटकाने के लिए दिया है, ताकि जो समाज आंदोलन कर रहा है, उग्र आंदोलन करने की तैयारी कर रहा है, इस मुद्दा से भटक के उस मुद्दा पे आ जाए। वो मुद्दा भटकाने के लिए काम कर रहे हैं। अगर वो बनवाते हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ, लेकिन सबसे पहले जो हमारी आवश्यकता है, हमको न्याय चाहिए, हमें CBI जाँच चाहिए। हम जो पीड़ित परिवार है जिसकी चार लोगों की हत्या हुई है, पहले उसको न्याय होगा, तब जाके महाराजा बिजली पासी पुल बनवाएं। हमारे साथ में काफ़ी लोग जुड़े हैं जो फतेहपुर से हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे, उनकी क्या मांगे हैं, क्या नाम है? सर, मेरा नाम राकेश पासी है, मैं फतेहपुर से चल के आया हूँ। हम लोगों के यही मांगे हैं कि जो गोहरी हत्याकांड हुआ है उसमें निष्पक्ष CBI जांच हो। इसके लिए हम लोग बैठे हैं, जब तक CBI जांच की मांग पूरी नहीं होती है हम लोग यहाँ से हटेंगे नहीं। और करने को तो बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन जब तक निष्पक्ष ना हो जाए तब तक कोई उसका निष्कर्ष निकलेगा नहीं। लोग कहते हैं कि पवन सरोज को फंसाया जा रहा है, क्या लगता है आपको? अब ये तो CBI जांच से ही पता चलेगा, इसीलिए तो CBI जांच हम लोग मांग रहे हैं कि CBI जांच हो जाए तो निष्पक्ष पता चल जाएगी पवन सरोज दोषी है या निर्दोष है। अब ना हम जानते हैं ना कोई जानता है, हो सकता है फंसाया जा रहा हो सकता है हो, इसके लिए CBI जांच की हम लोग मांग कर रहे हैं, CBI जांच हो। इसलिए गौरी हत्याकांड को लेकर जिस तरह से प्रशासन या पेपर बॉयकॉट या पेपर कटिंग वायरल हो रहे हैं, अलग अलग बयान, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो यही कहेंगे कि जैसे हत्या हुई और इसमें रेप की पुष्टि हुई, तमाम बातें हुई, सबसे पहले राहुल सरोज को उठा लिया गया,
पहले उसको दिखाया गया कि ये आरोपी है, ठीक है, तमाम सबूत भी उसके पक्ष में दिए गए। उसके बाद फिर पुलिस का बयान पलट कर आया कि नहीं, वो आरोपी नहीं था, उसको रिहा कराएगी पुलिस। तो इसमें सीधा निष्कर्ष ये निकल कर आता है कि पुलिस इसमें न्याय करना ही नहीं चाहती, वो सिर्फ और सिर्फ समाज के लोगों को गुमराह करना चाहती, वो सिर्फ गुमराह कर रही है। इसलिए भैया हमें पुलिस के ऊपर भरोसा ही नहीं, विश्वास ही नहीं, भैया ख़त्म करिए सब मैटर, हम सीबीआई जांच की मांग करते हैं। और वहीं से जो है सुराम ब्लॉक प्रमुख जो है प्रदीप पासी जी हैं, वो अभी तक वहाँ जो पहुँचे नहीं घटनास्थल पर, क्या कहेंगे? भैया आपको पता होना चाहिए कि जो प्रदीप जी हैं वो भारतीय जनता पार्टी से हैं, माननीय भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री, केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, क्या कहते हैं, कौशल किशोर जी, प्रयागराज में 26 तारीख को आए थे, आपको जानकारी हो। लेकिन उनकी इतनी औकात नहीं है कि वो जो बीच में रास्ते में पड़ता है प्रयागराज का ही, जिसमें घोरी के अंदर घोरी गाँव में पासी बिरादरी के 4 लोगों की हत्या होती है, वो उसके पास जा करके न्याय की आवाज़ उठा सके। तो भारतीय जनता पार्टी के गुलाम है, इनको आज़ादी नहीं है भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से, तुमसे क्या उम्मीद करें भाई, उम्मीद ही नहीं है हमारे पास। अभी जो है कितनी भीड़ें होंगी, अभी तो रात्रि 10 बज रहे हैं और हम जानेंगे कि रात्रि 1 बजे तक 12 बजे तक जो भी है कितनी भीड़ हो सकती है, क्या जी अभी कितने भीड़ हो सकती हैं? अभी भी बहुत भीड़ होगी, अभी तो हम लोग स्टार्ट किए हैं, 6 तारीख को बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस है, इसलिए लोग अभी नहीं आ रहे हैं, तो 6 तारीख के बाद आप देखिएगा यहाँ संख्या नहीं जमाएगी। आगे का प्लान क्या है इसमें? आगे का प्लान है, अगर 10 तारीख तक हमारी सीबीआई मांग नहीं हो, सीबीआई मांग की बात नहीं मान लेते, तो एक हम लोग बड़ा उग्र आंदोलन करेंगे। कैसा आंदोलन होगा वो तो फिर सरकार खुद देख लेगी कैसा आंदोलन होगा।